अबाउट दिल्ली कैपिटल्स इन हिंदी। दोस्तों एक IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि बच्चे से लेकर बड़े हर कोई देखना पसंद करता है। IPL में DC यानी कि दिल्ली कैपिटल्स पिछले कुछ सीजन से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रही है और अभी करेंटली टॉप पर भी है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि दिल्ली ने अपना नाम दिल्ली डेयरडेविल्स से आखिर दिल्ली कैपिटल्स क्यों रख लिया? और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स में AB डी विलियर्स, रसल, वार्नर, सहवाग और ऐसे कई कई बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं? साथ ही में दिल्ली कैपिटल्स ने आखिर कितने बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है? और इससे भी कमाल के फैक्ट जानने वाले हो आज आप दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। और अगर आप ट्रू लवर होना है दिल्ली कैपिटल्स के इस वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखना। साथ ही में आप लोगों के लिए गजब का सवाल है, क्वेश्चन है दिल्ली कैपिटल्स के फैंस के लिए स्पेशली, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दिल्ली कैपिटल्स IPL की एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि 2008 से ही IPL में हिस्सा लेती आ रही है। और पहले इनका नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था, जो कि आपको पता ही होगा। DC की फ्रेंचाइज को एक्चुअली में GMR ग्रुप, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, वो ऑन करती है। इनके पास 50% शेयर्स है और साथ ही में JSW ग्रुप्स, जो कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी 50% शेयर्स को करती है। DC यानी दिल्ली कैपिटल्स का जो होम ग्राउंड है वो है फिरोजशाह कोटला, जो कि दिल्ली में है, पर अभी इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है और इसको ऐसे ही जाना जाता है। दिल्ली कैपिटल्स को उनका जो नाम है एक्चुअली वो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स था, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स क्यों रख लिया? तो उसमें एक्चुअली में कुछ इतना बड़ा तो रीज़न नहीं है। दरअसल जो टीम थी वो चाहती थी कि न्यू इन्वायरमेंट हो, न्यू लोगो हो, न्यू जर्सी हो, नया नाम हो और एक नए एंथुसिएज्म के साथ वो खेलना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने नेम चेंज कर लिया और हुआ भी कुछ ऐसा ही, परफॉर्मेंस कहां से कहां पहुंच गया। अगर हम बात करें DC के प्लेऑफ्स की, तो DC ने आज तक सिर्फ 4 बार ही प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि ये स्टार्टिंग है 2008 और 2009 वाले साल और अभी 2019 और 2020। 2020 में तो वो फाइनल में भी चले गए थे भाई। आपने दिल्ली कैपिटल्स का लोगो तो देखा ही होगा, इसमें एक्चुअली में 3 टाइगर है जो कि दहाड़ रहे हैं। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन्स की बात करें, तो 2008 में दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते थे वीरेंद्र सहवाग, हमारे वीरू भाई, 2009 में गौतम गंभीर, 2010 में दिनेश कार्तिक, 2011 में JR होप्स, जो कि एक फॉरेन प्लेयर है, और फिर 2012-13 इनमें बहुत ही ज़्यादा कैप्टन्स चेंज हुए, मतलब बीच में भी, जिसमें टेलर, वार्नर, महिला जयवर्धन है, ये सब थे। और फिर 2013 में फाइनली वार्नर बने दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन, फिर 2014 में केविन पीटरसन, फिर 15 में JB डोमिनी, 16 में जहीर खान, 17 में करुण नायर, और अब तो आपको पता ही है कौन है, श्रेयस अय्यर, और अभी बंद है क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। दिल्ली कैपिटल्स में कई बड़े बड़े प्लेयर्स भी खेल चुके हैं, जैसे कि आंद्रे रसल, डेविड वार्नर, केविन पीटरसन, AB डी विलियर्स, जी हाँ AB डी विलियर्स भी, और मॉर्नी मॉकल, क्रिस मॉरिस, ताहिर बोल्ट, कमिंस, और ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स इसमें खेल चुके हैं और मैक्स भी खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 2019 में इनका जो विन परसेंटेज था वो और ES के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा था, जो कि था 64%, हम मैचेस की बात कर रहे हैं, और इन्होंने 3rd रैंक में फिनिश किया था। और ऐसे ही था 2009 में भी, जब इनका विन परसेंटेज 67 था और तब भी ये 3rd रैंक पर ही आए थे। अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के हाईएस्ट रन स्कोरर की बात करें, तो वो है वीरेंद्र सहवाग, जिनके है 2382 रन, और नेक्स्ट में आते हैं पंत 2252 के साथ, सबसे ज़्यादा विकेट्स अमित मिश्रा के, और नेक्स्ट में है रबाडा। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स क्या इस सीज़न जीत पाएगी? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और क्या आपको बताइए IPL फेक है या रियल? जी हाँ, जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखना। और आप जैसे क्रिकेट लवर्स के लिए लाइट वाली प्लेलिस्ट सबसे बेस्ट रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो में।